आज अगर मुल्क के हालात जहां पर हैं, इसमें अनफेयर इलेक्शंस का, इलेक्शन की चोरी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमने आज भी सबक हासिल नहीं किया तो आगे भी आपको खराबी ही मिलेगी। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, क्या समझा जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो सियासत से अलग हो गए हैं या अपनी पार्टी से अलग हो गए? शाहिद खाकान अब्बासी एमक्यूएम में नहीं है। अच्छा सर, नवाज शरीफ आपके लीडर भी रहे हैं, वो जब से वापस आए हैं, क्या उनसे मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी उनसे मेरी लंदन में आने से 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं। आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं गया सर आप? जी, आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं? मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी के ओदे से, तो मैं किसी मुशावरे में शामिल नहीं होता। सर, आप पार्टी में भी कहते हैं कि वापस आ जाए नून लीग में, तो चले जाएंगे वापस? वो मैंने वापस आ जाए या ना आने, मैंने सिर्फ बात ये की है कि मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। सर, आप पार्टी में भी रहे हैं, आपको वजीर आजम भी नवाज शरीफ साहब ने किया, तो आपका ये फर्ज नहीं बनता कि वो मुल्क से आए? या मैं पार्टी से, मैं 35 साल से रहा हूँ पार्टी के, हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ रहा हूँ, और मियां नवाज शरीफ साहब से एक जाती ताल्लुक है, एक रिश्ता है, एक इज्जत का रिश्ता है, और वो बरकरार रहेगा, उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है। तो जैसे 8 फरवरी के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये फेयर इलेक्शन होंगे? मेरी दुआ है कि फेयर होंगे। फेयर नहीं होंगे तो जो 70 में हुआ था उसके बाद से जो हो रहा है, आज अगर मुल्क के हालात जहाँ पर हैं, इसमें अनफेयर इलेक्शन का, इलेक्शन की चोरी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमने आज भी सबक हासिल नहीं किया तो आगे भी आपको खराबी ही मिलेगी। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, क्या समझा जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो सियासत से अलग हो गए हैं या अपनी पार्टी से अलग हो गए? शाहिद खाकान अब्बासी एमक्यूएम में नहीं है।